गाइस मैं खुशी हूं आपका स्वागत करती हूं अखबार बानी गॉसिप में। टीना दत्ता ने बोला शालिन को कि सिर्फ सुम्बुल प्रियंका के साथ बैठी रहती है और वहीं पर ये बात सुनने के बाद शालिन ने बोला है कि दम है सुम्बुल में। चलिए आप लोगों को बताते हैं ये लेटेस्ट अपडेट। अब जो है टीना दत्ता फिर दोबारा से सुम्बुल के खिलाफ शालिन के कान भरने लग गई है और उनकी शुरुआत हो गई जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। अगर बिग बॉस ये चीजें एपिसोड में नहीं दिखाते हैं पर हम आप तक हर एक जानकारी पहुंचाने की हिम्मत रखते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। भाई बिग बॉस ने इन लोगों से पैसे लिए होंगे कि इनको अच्छा दिखाना है, पर हमने किसी से पैसे नहीं लिए हैं, जो अच्छा है उसको अच्छा ही बताते हैं। यहां पर जो है बीबी अदालत हुई, बीबी अदालत में जो है काफी सारी चीजें ऐसी हुई जो कि शायद लोगों के लिए जो है एक्सेप्टेबल नहीं थी और कुछ लोग जो है काफी ज्यादा खुश नजर आए। कैप्टनसी जो है गौतम से खो गई है, कैप्टन जो है अभी तक कोई नजर घर में आ नहीं रहा, यानी कि इसका मतलब है कि कैप्टन कोई बना नहीं है। इसी दौरान राशन भी मिल चुका है, भरपेट जो है ये लोग खाना खा रहे हैं। वहीं पर शालिन के कान भरती हुई नजर आई है टीना दत्ता। टीना दत्ता का कहना यह है कि ये पूरा दिन जो है प्रियंका के साथ बैठी रहती है और ये 19 साल की है, ऐसा ये ड्रामा कर रही है, इसको सब चीजें समझ में आती है और ये सिर्फ बनती रहती है। जहां पर हम भी 19 साल के थे हमें तो सब चीजें समझ में आती थी, ये सिर्फ बनती रहती है। जहां पर शालिन ये बात सुनते हैं और सुनने के बाद ये बात बोलते हैं कि भाई नहीं वो 19 साल के इसके पापा ने भी बोला उसको समझ में नहीं आया। 19 साल की जो एज रहती है 19 एज रहती है तो माँ बाप बोलते हैं बच्चों को कि भाई इसके साथ दोस्ती मत करो, नहीं तो फिर ऐसा लगता है कि भाई उसी के साथ दोस्ती करनी है। तब ऐसे लोग ऐसी एज में जो है लोग ऐसी सब चीजें करते हैं और वहां पर शालिन को ये मैनिपुलेट करने की कोशिश करते भाई नहीं तो तू तो कल तो कुछ और बात बोल रहा था सुम्बुल के लिए, आज तू बोल रहा है कि नहीं वो अच्छा खेल रही है, क्योंकि शालिन वहां पे बोल रहे होते कि नहीं वो 2-3 दिन से काफी अच्छा कर रही है। और सुम्बुल की तारीफ सुन के जो है लगातार टीना दत्ता जो है काफी ज्यादा इरिटेट हो रही होती है शालिन से, और शालिन जो है उसके ऊपर ये भी बात बोल देते हैं कि नहीं जिस तरीके से निमृत के सामने वो आज खड़ी रही ना, इस चीज से पता चल गया कि उसमें कितना ज्यादा दम है। हालांकि अदालत जो बीबी अदालत जो टास्क है उसमें तो सुम्बुल की झलक जो है आप लोगों को लाजमी है दिखी जाएगी और बहुत ही ज्यादा आप लोगों को मजा आने वाला है और मुझे लगता है कि अभी सुम्बुल की गेम पलटने वाली है। हालांकि ये तो टाइटल पिछले बिग बॉस का था कि गेम अब पलटेगी, पर सच में भाई इस बार लगता ऐसे है कि सुम्बुल की गेम बहुत जल्दी पलटने वाली है, जिसको देखने के लिए मैं तो बहुत ज्यादा बेताब हूं। क्या आप लोग भी हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।